हेलो एवरीवन चिल्ड्रन टुडे विल स्टार्ट अ फ्यूचर टेंस सो चिल्ड्रन लेट स्टार्ट द टेंस द फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर सो चिल्ड्रन फ्यूचर टेंस हमारा जब यूज़ होता है जब हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि हमारे एक्शंस क्या है फ्यूचर में होने वाले हैं जैसे आप कहते हो मैं खाना खाऊंगा मैं खेलूंगा जो कि आप फ्यूचर में करने वाले होते हो तो उसके लिए आप फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हो चिल्ड्रन वी एड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल और शेल का वी एड विल और शेल बिफोर वर्ब्स टू इंडिकेट द फ्यूचर टेंस इसके लिए हम फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए हम किसी भी वर्ब के साथ विल या शेल का यूज़ करते हैं और इसमें चिल्ड्रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जैसे कि एग्जाम्पल देखो आई विल विजिट सिक्किम नेक्स्ट समर कि मैं अगली गर्मियों में सिक्किम जाऊँगा घूमने सारिका विल रिटर्न योर पेंसिल बॉक्स इन द इवनिंग सारिका तुम्हारी पेंसिल बॉक्स जो है शाम को वापस कर देगी तो यहाँ पे आपने देखा कि विल के साथ वब की फॉर्म आई है तो चिल्ड्रन इसका रूल होता है पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट उसके बाद हम विल पहले चिल्ड्रन शेल का भी यूज होता था आई और वी के साथ बट अब यह जो विल का यूज होने लगाया है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जैसे हाँ पे ये है? है. Uh, यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्ट है विल आपका यहाँ पे विल आ गया के साथ की लगी है रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस यू है एक्सरसाइज नाउ लुक एट दाइज ए इज फिलिंग द ब्लैंस विद्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब आपको क्या करना है ब्रैकेट में एक वर्क uh, फॉर्म दी है उसकी आपको फ्यूचर टेंस फॉर्म लिखनी है चिल्ड्रेन जैसे uh, सौरव डैश बिकम अ पायलट सुन तो बिकम की become, became, become होती है तो बिकम हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो हम लिखेंगे सौरव विल और बिकम की फर्स्ट फॉर्म बिकम ही होती है आपको ए, बिकम ऐसे यहाँ पे है आई डैश क्लीन माई हाउस ऑन संडे तो यहाँ क्लीन दे रखा है तो लिखोगे आई विल भी कर सकते हो चलन यहाँ शेल भी आ सकता है दोनों आ सकते हैं यहाँ पे विल भी आ सकता है और शेल भी आई विल क्लीन या आई शेल क्लीन आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आई के साथ या वी के साथ शेल लगता है लेकिन अब यू अब इस विल का यूज़ होने लगा है थर्ड इज द टेबल डैश इफ यू सिट ऑन इट तो ब्रेक का क्या करोगे द टेबल विल ब्रेक क्योंकि सेकंड फॉर्म ड्रॉप होती है तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो हम लिखेंगे ब्रेक तो यू कैन डू लाइक दिस चिल्ड्रन नाउ सेकेंड एक्सरसाइज देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ बॉक्स में कुछ वर्ब वर्ब्स दी गई हैं उनकी फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है यू हैव टू रीड द सेंटेंस फर्स्ट आफ्टर दैट यू विल फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे आई डैश अ मूवी आफ्टर आई फिनिश माय होमवर्क तो मूवी को क्या करते हैं वॉच तो आई विल वॉच अ मूवी क्या लिखोगे आई विल वॉच अ मूवी

ऐसे सेकेंड है ही वेंट टू द थिएटर विद हिज पेरेंट तो वैन के जगह गो आ जाएगा ही विल गो टू द थिएटर विद हिज पेरेंट यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाई योर सेल्फ सो चिल्ड्रन हेयर यू हैव टू लर्न द रूल कि क्या होता है फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी है सो चिल्ड्रन थैंक यू